हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यार क्लास 11th फिजिक्स का एक बढ़िया चैप्टर, मींस फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, क्योंकि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो डिलीटेड है सीबीएसई के सिलेबस में से, तो उसको नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इसको वन शॉट के फॉर्म में जो है बेटा जी करने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बिल्कुल बढ़िया नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए, उनको अच्छे से समझाया जाएगा इस चैनल पे। आप लोगों को पूरा क्लास 11th फिजिक्स का सिलेबस मिलने वाला बेटा, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं, वन शॉट के अंदर इस चैप्टर को निपटाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जो लेक्चर नोट्स है बेटा जी, वो आप लोगों को कहां मिलने वाले हैं? वो मिलने वाले हैं टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से, जो ऊपर की तरफ आप लोगों को दिख रहा है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या तो वहां जाइए और लिंक पे क्लिक करके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके सीधा सुनील जांगड़ा सर लिखिए, आपको ये टेलीग्राम मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। यहाँ पे आपको लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में जो मेरी फ्री लाइव क्लास होती है उनके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, या फिर बोलो कि जो इस चैनल के नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको सारी वो अपडेट मिलती रहेंगी। अगर आप क्लास 11th फिजिक्स के अंदर पढ़ना चाहते हो तो ये टेलीग्राम चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए बेटा, ठीक है? तो इसलिए फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। लिंक कहाँ मिलेगा बेटा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की, और बहुत बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा जो चैप्टर बेटा वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या चीज समझनी है, हमें समझनी है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जैसे कि मैंने बोला कि नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, ये लेक्चर नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। दूसरी बात, यहाँ पे हम नोट्स के थ्रू क्यों पढ़ रहे हैं कि सारी जो चीजें हैं बेटा वो हमें समझ भी आ जाए और कम टाइम में समझ में आ जाए, ताकि हम बाद में क्वेश्चन भी लगा सके बहुत सारे। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है भाई? वो क्वांटिटी होती है जिनको मेजर किया जा सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है? मेजर किया जा सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एंड उनके अनुसार जो लॉ ऑफ फिजिक्स है उनको एक्सप्रेस किया जा सके, ठीक है? समझ में आया? तो वो कौन कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे कि बहुत सारी क्वांटिटीज है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया। सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो आप बोलो कि वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे कि यार कोई कितना रो रहा है या कोई कितना खुश है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता है ना, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो जिनको मेजर किया जा सकता है एंड जिनके अनुसार लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस किया जा सके, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब ये हम तीन तरीके से पढ़ेंगे, मतलब तीन टाइप से पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल, सेकंड आएगा आपके पास डिराइव्ड, और थर्ड आएगा आप लोगों के पास बेटा जी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल सबसे पहले समझो कि हमारे पास कितनी है बेटा जी, सात क्वांटिटी जो है हमारे पास रहने वाली है फंडामेंटल क्वांटिटी की। ओके, ये क्वांटिटी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे मास हो गया तो भाई मास है तो मास है, लेंथ हो गया टाइम है, तो ये सब क्या है? लेंथ है तो लेंथ है, टाइम है तो टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये सब क्या है? ये सारे की सारी जो सात हमारी बोल सकते हो कि बेस क्वांटिटी है या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैंने बता दिया कि ये दूसरों पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। डिराइव्ड की अगर हम बात करें तो डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके फाइंड आउट करी जाती है, निकाली जाती है, ठीक है? दोस फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी में हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भाई कौन है? जो डिस्प्लेसमेंट आप लोग लिख रहे हो वो कौन है? एक लेंथ ही तो है भाई, वो लेंथ ही तो है, और नीचे क्या है? टाइम है। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी को यूज कर रहा है, कौन सी? फंडामेंटल को। तो इस तरीके से आप डिराइव्ड क्वांटिटीज को बोल सकते हैं। इनके अलावा हमारे पास आ जाती है बेटा दो ऐसी क्वांटिटी जो इनमें ना तो यहां कवर हुई ना यहां कवर होती, वो होती है एक प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल, मींस एंगल मेजरमेंट की जो क्वांटिटीज है वो यहां पे रखी गई है इस सेक्शन के अंदर, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्लेन एंगल की अगर हम बात करें, इसकी बात करें प्लेन एंगल की, जैसे कि मान लीजिए इस प्लेन के अंदर कोई एक पार्टिकल मान लीजिए यहां पे है, इसका रेडियस आर है, और ये अभी यहां पे चला गया है, इसने आर्क कवर करी यहां पे, डिस्टेंस कवर करा डीएस, और ये यहां पे आ गया। तो आप यहां पे एक एंगल कवर कर रहे हो डीएस, क्योंकि आप इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक जा रहे हो, आप इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक जा रहे हो। ओके, तो इसका मतलब अगर मुझे एंगल निकालना तो मैं क्या करूंगा? आर्क बाय में रेडियस कर दूंगा। ये तो सिंपल एंगल आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। बात आ जाती है सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल यार इस तरीके से समझो कि जैसे कोन होता है ना, कोन सॉफ्टी खाई होगी ना, कोन होता है ना, तो भाई उसमें जो ये बीच का अगर एंगल हमें निकालना है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सॉलिड एंगल को हम शो करेंगे यार किससे? डी ओमेगा से, ठीक है? ये किसके बराबर होगा? जो सामने वाला इसका एरिया होगा, जो सामने वाला एरिया है वो डी ए, ठीक है? और नीचे लिख देंगे जो रेडियस है उसका स्क्वायर हम कर देंगे, जो रेडियस है उसका स्क्वायर हम कर देंगे। इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है सॉलिड एंगल को बेटा, ठीक है? इसके बाद हमारे पास आता है बेटा जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से शुरू होता है, फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ ली है, अब यहाँ से शुरू हो जाता है हमारे पास यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है? जैसे कि यार आप लोगों ने क्या किया कि कोई भी चीज जब आप मास में या वेट की फॉर्म में ले रहे हो तो आप उसको क्या बोल दो कि भाई 2 किलोग्राम कोई भी चीज दे दो, है ना, या बोल दो कि भाई 500 ग्राम दे दो, है ना, 500 ग्राम दे दो कुछ इस तरीके से, या जैसे कि बोल दो लीटर में दे दो भाई 1 लीटर में, है ना,
इसी तरीके से कुछ भी फीट में कि भाई इतनी फीट ये चीज दे दो, कोई भी आप क्वांटिटी जो लेने जा रहे हो, या 1 मीटर में, सेंटीमीटर में, तो ये सब क्या है बेटा? ये जो ये टू है ये क्या होता है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, न्यूमेरिक वैल्यू होती है हमारी। और ये जो किलोग्राम या ग्राम, ये लीटर, फीट या मिली लीटर या सेंटीमीटर, ये सब क्या है? यूनिट्स है बेटा, ये क्या है? यूनिट्स है। तो यूनिट्स क्या है? एक तरीके से पहले से एक स्टैंडर्ड घोषित है, पहले से हमने क्या रखा है? स्टैंडर्ड बना रखा है, उसके कंपैरिजन में ही हम सारी चीजों को मेजर करते रहते हैं, उसके कंपैरिजन में ही हम सारी चीजों को मेजर करते रहते हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। देखो भाई, मास को मेजर करने के लिए हमने क्या स्टैंडर्ड बना रखा है कि भाई 1000 ग्राम होगा, उससे किलोग्राम बनेगा 1 किलोग्राम, तो ये पहले से घोषित कर रखा है। तो आप क्या करो, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। भाई अब वजन को वजन से ही करेंगे ना, ठीक है? मतलब मास है तो मास कर रहे हो भाई आप, मतलब आपको जिसको वेट में या फिर मास की में तोलना है। अब ये तो है नहीं कि भाई इसको आप सेकंड में बोल दोगे, ठीक है ना? स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड ए फिजिकल यूनिट। अब जैसे हमने क्वांटिटी पढ़ी तीन तरीके की, वैसे ही फिजिकल यूनिट मतलब हमारे पास तीन तरीके से है। एक होती है बेटा फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरी क्या होगी हमारे पास? डिराइव्ड यूनिट, और तीसरी हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट होने वाली है, ठीक है? तो फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है भाई? जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करेंगी, सिंपल सी बात है। दोज यूनिट व्हिच कैन नॉट फर्दर बी रिजॉल्व्ड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। मींस यार, अगर तुम मास बोल रहे हो, मास है ये, क्वांटिटी है, तो इसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम है, ठीक है? क्या है? किलोग्राम है बेटा। अब किलोग्राम को फर्दर क्या तोड़ेंगे हम? नहीं तोड़ेंगे ना। या फिर आप बोलो कि भाई दूसरों पर डिपेंड थोड़ा कर रहा है, किलोग्राम है तो किलोग्राम ही है, लेंथ है। अब वो मान लो मीटर में होता है, ठीक है? किसमें होता है? मीटर में। तो भाई मीटर से आगे क्या ही उसको, मतलब कोई अलग क्वांटिटी थोड़ा आ रही है उसके अंदर। तो भाई सिंपल सी भाषा में समझो कि भाई फंडामेंटल यूनिट वो होती है जो दूसरों पर डिपेंड ना करे। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास 7 तरीके से होती थी, यहाँ पे भी ये 7 तरीके से होती है। मास एक फंडामेंटल यूनिट है, उसकी यूनिट किलोग्राम होगी, सिंबल जो होगा वो स्मॉल केजी होगा। लेंथ उसकी यूनिट मीटर होगी, स्मॉल एम होगा। टाइम जो है वो सेकंड होगा, और एस आप लोग यहाँ पे इसको शो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल ए से शो करोगे उसकी यूनिट का सिंबल। टेम्परेचर केल्विन में होगा, कैपिटल के से लिखोगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको मोल में नोट करेंगे, और एम ओ एल से उसकी यूनिट लिखने वाले हैं हम। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो कैंडेला, जिसको हम सी डी की फॉर्म में लिख रहे होंगे बेटा, इस फॉर्म में लिख रहे होंगे बेटा, सी डी की फॉर्म में। अब ऐसे ही हमारे पास आ जाती है डिराइव्ड यूनिट। कैसे आ जाती है बेटा? डिराइव्ड यूनिट। अब ये डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? अब ये डिराइव्ड यूनिट हमारे पास क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट बेटा वो यूनिट होती है जो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज कर रही है, उनसे निकाली जा रही है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो स्पीड में ऊपर डिस्टेंस हमने लिखा है, नीचे टाइम लिखा है। तो डिस्टेंस एक लेंथ है, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं भाई? मीटर में। टाइम एक किसमें मेजर होगा? सेकंड में। तो यहां जो ये यूनिट बनी है ये मीटर सेकंड को यूज कर रही है, ये मीटर सेकंड, दो यूनिट्स को यूज किया जा रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये डिराइव्ड करी है कहां से? फंडामेंटल से। कहां से? फंडामेंटल से बेटा जी, ठीक है? सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट, जैसे अभी हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ी थी, वैसे ही सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट को पढ़ने वाले हैं। जो प्लेन एंगल होता है उसकी जो यूनिट होती है बेटा जी, वो रेडियन में होती है। अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो उसकी यूनिट जो होती है वो स्टी रेडियन होती है। सिंबल आप लोग एक बार से चेक कर लीजिएगा, आरएडी रेडियन के लिए और एसआर स्टी रेडियन के लिए। इसके लिए बेटा स्टी रेडियन के, जहां पे भी स्टी रेडियन लिखा होगा या एसआर लिखा होगा, तो समझ जाना वो सॉलिड एंगल की वहां पे बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा जी? सॉलिड एंगल की वहां पे बात कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या कहलाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स? ये सारे के सारे नोट्स, बढ़िया वाले दी बेस्ट नोट्स आप लोगों को मिलेंगे भाई टेलीग्राम चैनल पे, लेक्चर नोट्स। पूरी बुक की फॉर्म में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? तो सुनो आप ध्यान से भाई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स ध्यान से देखना। इसने बोला सिस्टम हो किसका? यूनिट्स का। इसका मतलब कि यहां इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे सेट होंगे यूनिट्स के, है ना? ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ यूनिट, इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा जी, ठीक है? भाई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है कि इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी यूनिट्स के सेट होंगे, बहुत सारी यूनिट्स के सेट होंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से हमारे पास 4 सिस्टम हम पढ़ेंगे। एक होगा सीजीएस सिस्टम, एक होगा बेटा जी एफपीएस सिस्टम, एक होगा एमकेएस सिस्टम, और एक होगा एसआई सिस्टम, ठीक है? देखो ध्यान से देखो, सीजीएस में सी इज फॉर सेंटीमीटर, जी इज फॉर ग्राम, एंड एस इज फॉर सेकंड। सेंटीमीटर मतलब जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करें, जिसमें हम मास को ग्राम में मेजर करें, जिसको हम टाइम में सेकंड में मेजर करें, ऐसे सिस्टम को सीजीएस सिस्टम बोला जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एफपीएस की, तो एफपीएस में एफ इज फॉर फुट, जो कि लेंथ को मेजर कर रहा है ना, मींस लेंथ को हम फुट में मेजर करेंगे। पी इज फॉर पाउंड, मींस मास को हम पाउंड में मेजर कर रहे हैं। केक लेने जाते तो पूछा जाता है ना कि 2 पाउंड का है या 3 पाउंड का है, 4 पाउंड का, 5 पाउंड का, इस तरीके से ना। तो टाइम जो बेटा वो सेकंड में किया जाता है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एफ मतलब लेंथ फुट में, मास आपका किसमें हो बेटा? पाउंड में, और टाइम आपका किसमें हो? सेकंड में। तो ऐसे सिस्टम को एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एमकेएस सिस्टम, नाम से पता लगता है, एम इज फॉर मीटर, मीटर मतलब लेंथ को मीटर में मेजर किया जाएगा। किलोग्राम मतलब मास को किलोग्राम में नोट कर रहे हैं, और टाइम को सेकंड में नोट कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम को एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। अब इसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो एसआई सिस्टम होता है।
ठीक है, क्या है आप लोग बोलोगे, ये मॉडिफाई फॉर्म है बेटा, किसकी? मॉडिफाई फॉर्म ऑफ किसकी? एमकेएस सिस्टम की। किसकी बेटा जी? एमकेएस सिस्टम की। ओके, मॉडिफाई फॉर्म है ये। ओके चलो, मतलब ये चीजें तो होंगी, एक्स्ट्रा चीजें और ऐड कर दी जाएंगी सिस्टम के अंदर। जैसे इसके अंदर जो मास होता है, ऐसा ही मतलब है बेटा, यहाँ पे जो फुल फॉर्म आपको बताई जाती है, लिखी जाती है, वो क्या लिखी जाती है? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको बोला जाता है। एक मिनट रुकिएगा, क्या बोला जाता है? एक मिनट रुक जाओ यार, जस्ट अ मिनट। क्या बोला जाता है बेटा इसको? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर जो मास होता है वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है, जो लेंथ होती है वो मीटर में, जो टाइम होता है वो सेकंड में। अभी तक ये तीनों चीजें सेम है। मैंने क्या बोला? इसकी मॉडिफाई फॉर्म है, या बीच में ये एसआई भी लिखा होगा शायद, विजिबल है शायद से है। तो टेम्परेचर को केल्विन में, है ना, जो यूनिट होती थी उसी में ही, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बेटा जी कैंडेला में, सी डी से इसको नोट किया जाता है। तो ये है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बाद हमारे पास आता है कुछ प्रीफिक्स हैं जो आपको याद कर लेने हैं, जैसे 10^1, 10^2, 10^3, 10^6, 10^9, 10^12, 10^15 और 18। ये सारे प्लस के लिखे हुए इधर, इनको क्या बोला जाता है? डेका, इसको, इसको हेक्टो, इसको किलो, इसको मेगा, इसको गीगा, इसको टेरा, इसको पेटा, और इसको एक्सा, एक्सा ई एक्स है, एक्सा। इनके सिंबल है बेटा, डेका इज डी ए, हेक्टो इज एच, किलोग्राम इसके, मेगा इज कैपिटल एम, गीगा इज कैपिटल जी, टेरा इज कैपिटल टी, पेटा इज कैपिटल पी, एक्सा इज कैपिटल ई। इसके अलावा जो आपके माइनस में होते हैं, जिनकी पावर जैसे कि 10-1, 10-2, 10-3, 10-6, 10-9, 12, 15, 18, सबसे ज्यादा फिजिक्स के अंदर ये वाले यूज होंगे, सबसे ज्यादा मतलब ये दिखेंगे कहीं ना कहीं, बट ये सबसे ज्यादा ये यूज होंगे। तो इनके ऊपर नजर रहे, अच्छे से इनको देख लेना, अच्छे से इनको एक बार कर लेना बेटा जी, ठीक है। तो जैसे कि 10-1 है तो वो डेसी बोला जाता है ना, स्मॉल डी से। तो यहाँ पे 10-2 है तो इसको सेंटी बोला जाता है, स्मॉल सी से। 10-3 मिली होता है किससे? स्मॉल एम से। इसी तरीके से 10-6 वो किससे? माइक्रो। 10-6 को माइक्रो बोला जाता है, म्यू से इसको शो किया जाता है। 10-9 इज नैनो, जिसको स्मॉल एन से शो किया जाता है। 10-12 इज पीको, जिसको स्मॉल पी से शो किया जाता है। 10-15 जिसको फेमटो या फर्मी भी बोला जाता है, जिसको स्मॉल एफ से शो किया जाता है बेटा, ठीक है। और 10-18 क्या है आप लोगों के पास? AWTO, अट्टो बोल सकते हैं इसको, कुछ भी, है ना, कुछ भी नाम रख दिया है, तो ए हो गया बेटा ये, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला, ये सबसे ज्यादा काम में आने वाला है बेटा जी। ये जो बीच का पोर्शन है, ये सबसे ज्यादा काम में आने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायमेंशंस बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? डायमेंशन आता है। डायमेंशन क्या होती है भाई? देखो, हमने कुछ भी एक लिखा, मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ली, मान लो उसमें मास है, तो वो मास यार कितना है, उसकी पावर कितनी है, ठीक है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, तुम फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे, इस चीज को रिलेट कर पाओगे। डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर दोज पावर, मतलब ये पावर के फॉर्म में होगा, आर दोज पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी, ठीक है। मतलब यार कहीं पे अगर मान लो लिखा गया है, जैसे फोर्स लिखा गया है, ठीक है, फोर्स लिखा गया, तो उसकी जो डायमेंशन होती है ना, वो मास, लेंथ और टाइम माइनस टू होता है। तो आपको पता है यहाँ पे मास एक है, लेंथ एक है, टाइम के ऊपर पावर माइनस टू है। तो इसने यही बोला है, डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर दोज पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज, मतलब जो पावर हम बना रहे हैं ना वो बता रहा है, वो एक तरीके से हम डायमेंशन बता रहे हैं। आर दोज पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी, हमने फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे मास एक लिया है, लेंथ उसके ऊपर एक है, और टाइम जो माइनस टू है, मीन्स 1/T² आप लोग बोल सकते हैं। क्लियर इतनी बातें, ठीक है। तो सभी को समझ में आया होगा कि डायमेंशन क्या होता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला लिखते हैं वो हम किस तरीके से लिखते हैं? हम लिखते हैं बेटा इसको स्क्वेयर ब्रैकेट में इस तरीके से, और जनरली हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं लिखते हुए जनरल फॉर्मूला, वो इस तरीके से लिखा जाता है, MLT, जिसमें A इसकी पावर, B इसकी पावर, ये C इसकी पावर। ये सर MLT क्या है, ये MLT क्या है इनको भी बताऊंगा, बट अभी समझो जो ABCD है वो क्या है, ये पावर है किसकी? M की। ये पावर है L की, और ये पावर है किसकी भैया? C की। समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं अपनी 7 जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ, जैसे मास जो होता है उसको लिखा जाएगा कैपिटल ब्रैकेट में, लिखा जाएगा भाई स्क्वायर ब्रैकेट में, लिखा नॉट कैपिटल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कैपिटल M में लिखा जाएगा मास को, लेंथ को कैपिटल L में लिखा जाएगा, टाइम को कैपिटल T में लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल A में लिखा जाएगा। यूनिट भी यही होती है, डायमेंशन भी यही होती है। टेम्परेचर कैपिटल K या फिर थीटा, और वैसे यूनिट भी यही होती है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD से शो करेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL से शो करने वाले बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मास लिखा, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1, 1, 1, ऐसे। तो ये पावर भाई हमने यहाँ पे मास को बताया उसकी पावर से, वो एक है यहाँ पे, है ना। आर दोज पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेस्ट। समझ में आई चीजें? ये जनरल फॉर्मूला होता है, ओके। अब जैसे कि मान लो मुझे किसी भी चीज की अगर डायमेंशन लिखनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वेलोसिटी से शुरुआत करते हैं, कि अगर मान लो मैं वेलोसिटी की डायमेंशन लिखूं, किसकी डायमेंशन लिखूं बेटा? वेलोसिटी की। अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, तो उसको हम कैपिटल एल से लिखेंगे,
एक ही बार होती है, कोई पावर नहीं होती उसकी। नीचे टाइम लिखेंगे कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, अगर मैं इसी तरीके से बात करूं किसकी, मान लीजिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन की अगर मैं डायमेंशन की बात करूंगा तो वेलोसिटी बाय में टाइम उसका फॉर्मूला होता है। तो वेलोसिटी की तो डायमेंशन हमने निकाल ली है, एल टी माइनस वन है, तो टाइम नीचे भी है कैपिटल टी से लिखेंगे, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास कितना, एल टी माइनस टू बन जाएगा। सिमिलरली आप फोर्स के लिए लिख सकते हैं। फोर्स क्या होता है बेटा? मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास के लिए होगी कैपिटल एम, ठीक है, और एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू, ठीक है, तो ये होगी फोर्स की। इस तरीके से आप हर एक चीज की जो है डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखना कि जो मास होता है उसको कैपिटल एम में लिखा जाता है, लेंथ को कैपिटल एल में, टाइम को कैपिटल टी से, करंट को कैपिटल ए से, टेम्परेचर को कैपिटल के से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी, है ना, सीडी से लिखा जाता है, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको एम ओ एल से, वही सीडी और एम ओ एल, और टेम्परेचर रहेगा तो शायद बीच में, तो कैपिटल के से उसको लिखा जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक बहुत जरूरी चीज जो कि है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बहुत सारे बच्चे शायद इसके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है, तो वो एक बार देख लेते हैं कि क्या है ये टॉपिक। टॉपिक का नाम है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। क्या है ये प्रिंसिपल? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म इन फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसमें क्या है, जितनी भी क्या है भाई, जितनी भी क्या है टर्म्स आई हैं, जितनी भी टर्म्स आएंगी, ठीक है, तो उन सबकी डायमेंशन, उन सबकी डायमेंशन जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अब इसके लिए ये प्लस माइनस इन सब का चक्कर भी हटा देता है। जैसे कि ये बोल रहा है द फिजिकल क्वांटिटी सेपरेटेड बाय द सिंबल प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, इन सब के जो सिंबल होते हैं उनके पास सेम डायमेंशन होगी, उनके पास सेम डायमेंशन होगी। जैसे इन्होंने एक इक्वेशन लिख के दी है कि एस इज इक्वल टू, हमने लिखा जस्ट अ मिनट, इन्होंने बोला कि एस इज इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर है। तो इनका कहने का मतलब है कि एस कोमा यू टी वन बाय टू तो कॉन्स्टेंट है भाई, ठीक है, कोमा वन बाय टू ए टी स्क्वेयर, ठीक है, वैसे डायमेंशन जो होती है कॉन्स्टेंट की वो वन होती है, तो इन सबकी जो डायमेंशन होगी वो एक जैसी होगी, उन सबकी जो डायमेंशन होगी बेटा वो एक जैसी होगी। क्लियर है? क्लियर, आप करके भी देख सकते हैं। एस जो वो डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ होगी इसकी डायमेंशन, है ना। यू टी की अगर मैं बात करूं तो यू टी क्या है, यू टी होगा बेटा जी क्या, एल मतलब एल टी माइनस वन, और टी पहले से पड़ा है तो ये इससे कट, ये इससे कट, है ना। तो अगर मैं देखूं एस की जो डायमेंशन यू टी के बराबर है या नहीं है, यस है, एल और एल बराबर हो गया। क्या एस की डायमेंशन वन बाय टू ए टी स्क्वायर के बराबर है? क्या एस की डायमेंशन वन बाय टू ए टी स्क्वायर के बराबर है? तो इसकी डायमेंशन लिखी एल, वन बाय टू एक कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट की जो डायमेंशन होगी बेटा, याद रखना कॉन्स्टेंट के लिए जो डायमेंशन होने वाली है वो वन होने वाली है, कॉन्स्टेंट की जो डायमेंशन होने वाली है वो वन होने वाली है, ठीक है, मतलब हम ये कंसिडर करते हैं। तो वन बाय टू खत्म हो गया, ए जो है एक्सेलरेशन तो एल टी माइनस टू, ये टी है तो टी का स्क्वायर हो गया, तो ये इससे कट, ये इससे कट, तो बराबर आ रही है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमें यही चीज यहाँ पे बताता है बेटा जी, ठीक है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल यही चीज हमें बताता है कि यहाँ पे क्या होगा, जो डायमेंशन होगी ऑफ ऑल द टर्म इन ए फिजिकल एक्सप्रेशन, कोई भी आपको फिजिकल एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें जितनी भी टर्म्स दी होंगी उनकी डायमेंशन बराबर होंगी, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, बराबर, और ये जो लेस देन इक्वल टू के साइन है इन सब के लिए जो है सेम डायमेंशन हो, ठीक है। चलिए इसी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही ज्यादा चीजें जो है हमें क्लियर होंगी बेटा जी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि द वेलोसिटी वी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड अपॉन द टाइम टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जैसा ये दिया गया है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को कोई एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी दी गई है, इन्होंने बोला राइट द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी की डायमेंशन आप लोगों को निकालनी है, ओके। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, हमने क्या कहा था कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, भाई इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, इक्वल का कोई चक्कर नहीं है, तो भाई इसका मतलब वी जो है वो बराबर है किसके, ए के, ये बोल सकते हो। और वी की जो डायमेंशन है वो कितनी होती है हमारे पास, वी की जो डायमेंशन है बेटा वो कितनी है हमारे पास, बताइए जल्दी से, वी की जो डायमेंशन है, वी इज वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन होगी, कितनी होगी बेटा, एल टी माइनस वन। सिमिलरली अगर मैं वी को बी टी के बराबर कर दूं, अगर मैं वी को बी टी के बराबर कर दूं तो क्या वो सही है, बताओ यार, क्या मैं वी को अगर बी टी के बराबर कर दूं तो क्या ये सही है, बी की हमें निकालनी ही है डायमेंशन, तो वेलोसिटी की क्या होती है, एल टी माइनस वन होती है, ये जो टी है इसके नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बी, जो कि क्या होगा, एल टी माइनस टू, क्या आ जाएगा बेटा, एल टी माइनस टू आने वाला है, ओके, क्या आने वाला बेटा जी, एल टी माइनस टू आने वाला है। क्या हम इन दोनों को इक्वेट करके भी निकाल सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है कि उधर वाले को ही इक्वेट करें, आप ए प्लस बी जो है टी इसको यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स आप डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बी, टी इनको एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप ए की डायमेंशन आपने निकाल ली है, एल टी माइनस वन है, ठीक है बेटा, और बी की आपको फाइंड आउट करनी है, टी की कितनी है, टी है, तो ये जब टी यहाँ जाएगा तो ऊपर जाएगा टी माइनस, एल टी माइनस टू बनने वाला है,
ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। तो आपने क्या किया, वी को ए के साथ कंपेयर किया, वी को बी टी के साथ कंपेयर किया। आप यहां से डी की डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डी प्लस डी टी को कंपेयर करके सीधा डी प्लस टी, ठीक है। मीन्स आप डी को बराबर कर सकते हो किसके, डायमेंशन ऑफ टी के बराबर, सीधा लिख दो यार, अच्छी राइटिंग से लिखो, डी की डायमेंशन बराबर होगी टी के, टी मतलब कैपिटल टी हो गया आप लोगों के पास, क्या हो गया बेटा, कैपिटल टी हो गया, ठीक है। मैच कर लो अभी यहाँ पे डी की जो है टी आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर सी है तो भाई आप क्या कर सकते हो, इनको सी की भी फाइंड आउट कर सकते हो, सी की भी क्या कर सकते हो बेटा जी, फाइंड आउट कर सकते हो। तो कंपेयर कर लेना, हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है, कंपेयर कर लेना, हो जाएगा आप लोगों के पास। मान लो सी अपॉन में डी प्लस टी है, अगर मैं इसको वी के साथ कंपेयर कर देता हूँ तो क्या ये फॉर्म बन जाएगी, डी प्लस टी उधर चला जाएगा, बाकी सारी चीजें पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स कोई भी वैल्यू दी होगी, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट दिया है या कोई भी वेरिएबल जो बोल रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहां से हम इक्वेशन सही है या नहीं है उसके बारे में भी बात कर रहे होते हैं, इक्वेशन सही है या नहीं है उसके बारे में भी हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो सबसे पहले बेटा जी आप लोगों के पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इसको इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे जो डायमेंशन की एप्लीकेशन है उसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि हम एक सिस्टम से, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उससे दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेके जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि एन यू जो है क्या वो एक कॉन्स्टेंट के बराबर है, भाई बताओ यार क्या एन यू जो है वो एक कॉन्स्टेंट के बराबर है। देखो एन जो है यहाँ पे वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एन जो है यहाँ पे वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये याद रखिए, ठीक है, ये याद रखिए, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। यू जो है वो यूनिट्स है, यू जो है वो यूनिट्स है, इसलिए मैंने कॉन्स्टेंट क्यों बोला। अरे भाई आप इसको किलोग्राम में लिखो, ग्राम में लिखो, चीज तो वही रहेगी, कॉन्स्टेंट ही रहेगा वो तो, ठीक है। इसका मतलब अगर मान लो एक सिस्टम में कुछ वैल्यू एन वन और यूनिट है यू वन और मुझे दूसरे सिस्टम में जाना है तो मैं उसको एन टू यू टू लिख सकता हूँ, बताओ लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से यूज करना होगा एन टू, फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे होगा एन वन, ये बन जाएगा यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, मतलब यूनिट फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके नीचे आ गया। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं भैया, मास, लेंथ, टाइम, इन सब होती है, तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं एम वन एल वन टी वन, ठीक है, ए बी सी, नीचे लिखेंगे एम टू एल टू टी टू, और इनको ब्रैकेट में लगा देंगे सबके लिए, हम यहाँ पे क्या कर देंगे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे गंद फैल गया था, ये लिखेंगे एन टू इज इक्वल टू एन वन, यहाँ पे मान लो जो फर्स्ट सिस्टम है उसके अंदर मास हमने एम वन लिया है और नीचे वाले सिस्टम मास एम टू है, तो यहाँ पे पावर कितनी होगी मान लो ए, फिर उसके बाद सेकेंड फर्स्ट दोनों सिस्टम के लिए लेंथ भी लिख दिया और टाइम भी लिख दिया बेटा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है इस तरीके से, तो यही फॉर्मूला हमारे काम में आने वाला है, ठीक है, यही फॉर्मूला हमारे काम में आने वाला है। तो यहाँ पे वही चीज समझाई गई है बेटा, ये सारी चीज वही है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को ताकि चीजें समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे हमने एन यू कॉन्स्टेंट लिया है क्योंकि सिंपल सी बात है यार, आपने क्या किया कि बोला चलो यार 10 किलो आटा तोल दो, ठीक है, 10 किलो आटा तोल दो, या फिर आप उसको ग्राम में बोल रहे हो, ठीक है, आप उसको क्या बोल रहे हो, ग्राम में बोल रहे हो। मान लो 10 केजी लिखा आपने, ठीक है, मतलब 10 इंटू में 1000 ग्राम आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, तो 10000 ग्राम आटा तोलने को बोलोगे, है तो वही चीज़ तो सेम ही है और उसका वजन भी वही रहेगा, मास वही रहेगा, कॉन्स्टेंट तभी तो बोली जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इस तरीके से लिख दिया कि ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाए तो वैल्यू सेम ही है, मतलब जो चीज़ है वो तो सेम ही रहने वाली है, तो इसलिए n1 u1 n2 u2 की फॉर्म में लिख दिया है। तो इसके बाद हमने क्या किया, सपोज द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर ए इन मास बी, इन मास बी इन लेंथ और एंड टाइम के लिए सी है, तो वो अलग अलग तरीके से हमने उसकी पावर बना के लिख दिया, क्योंकि डायमेंशन क्या है यार, पावर है, डायमेंशन क्या है, पावर है, ठीक है। तो वो इधर और इधर सेम रखनी है, ये कन्फ्यूजन नहीं करना कि इधर अलग कर दी उधर अलग कर दी, तभी तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, दोनों को डिवाइड करके सबकी डायमेंशन सेम लिखी, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जी इज दिस, और यहाँ पे ये किसमें दिया हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर, जो कि एसआई यूनिट में है, आपको कन्वर्ट करना है इसको किसमें, सीजीएस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा, किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे बेटा सबसे पहले समझो कि ये वैल्यू, इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है, तो ये एन वन दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, एन वन हमें ये दिया हुआ है, ये याद रखना, ये हमें एक तरीके से एन वन दिया हुआ है, 6.67 इंटू में 10^-11, 11 दिया ना, यस और नो वैल्यू, हाँ चलो जी, तो ये दी हुई है वैल्यू हमें न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे है किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब हमें जिस सिस्टम में जाना है वहां पे एन टू की जरूरत पड़ेगी, ये एसआई सिस्टम में है बेटा, ये तो पता ही है, उसने खुद ही बोल दिया कि एसआई सिस्टम जो एसआई यूनिट्स है उसको आपने लेके किस में जाना है, सीजीएस में लेके जाना है, ये भी उसने बोल दिया है, तो इतना तो पता लग गया कि भाई दूसरी साइड जब हमें जाना है वहां पे, देखो यहाँ पे इस सिस्टम में जो मास होगा वो किलोग्राम होगा,
उसको ग्राम में बदलना है। यहाँ पे जो लेंथ होगी मीन्स जो मीटर में होगा उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, और जो टाइम है उसको सेकंड से सेकंड में लिखने वाले, ठीक है। तो सिर्फ वैल्यू चाहिए हमें, कौन सी ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसको फाइंड आउट करना। इसके लिए फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिंपल बताया हुआ है, n2 इज इक्वल टू n1, यहाँ पे क्या लिखेंगे m1 बाय में m2, ये लिखेंगे नीचे m2 लिख दिया, ऊपर पावर a होगी, l1 बाय में l2, फिर आ गया b, फिर उसके बाद t1 बाय में t2, t1 बाय में t2। अब हमने क्या बोला कि भाई ये जो चीज़ें हैं ए बी सी, ये पावर होती है, मतलब पावर है, ये पावर मतलब डायमेंशन है, तो हमें जिस चीज को कन्वर्ट करने के लिए बोला उसकी डायमेंशन निकाल लो बेटा। हमें बोला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए, मींस आपको फोर्स पता होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि होती है जी एम वन एम टू बाय में आर स्क्वायर होता है। मींस अगर मैं यहां से जी निकालूं, अगर मैं यहां से क्या फाइंड आउट करूं बेटा, जी फाइंड आउट करूं, अगर मैं यहां से अगर मैं जी फाइंड आउट करता हूं जी, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा एफ आर स्क्वायर बाय में मास का क्या है एम वन एम टू लगा लो चलो अभी के लिए, ठीक है। तो फोर्स भाई न्यूटन है, न्यूटन की डायमेंशन होती है, मतलब फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब लेंथ, तो एल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या है मास है दोनों, तो मतलब एम की पावर टू हो गई भाई, एम की पावर टू हो गई, क्लियर है। तो अब ध्यान से देखो इसको ऊपर भेजो, तो एम जब माइनस टू होके ऊपर जा रहा है तो इस एम के लिए क्या बना रहा है, ये एम माइनस वन बना रहा है, लेंथ पहले से पड़ी है एक, और एक इधर पड़ी है दो वाली पावर की, तो वो तीन हो गई और टी माइनस टू हो गई, ठीक है। तो ये होते हैं भाई डायमेंशन, या तो आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या पता लगता है, इससे आपको पता लगता है कि जो ए की वैल्यू वो वन लिखेंगे हम, बी की वैल्यू जो है वो कौन लिखेंगे हम, बी कौन है लेंथ की पावर, तो लेंथ की पावर यहाँ पे थ्री है, और टाइम की पावर कौन है सी, तो यहाँ पे टाइम की पावर है माइनस टू, ठीक है बेटा। इस तरीके से अब हो जाएगा ये सिंपली, ओके। तो अभी क्या करना है, एन वन की वैल्यू लिखेंगे 6.67 इंटू में 10 माइनस 11, और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले बेटा, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं जिस सिस्टम से हम आ रहे हैं वो सिस्टम है किलोग्राम का सिस्टम, मतलब एसआई यूनिट का सिस्टम है, तो उसमें मास किलोग्राम में होगा, तो 1 किलोग्राम नीचे 1 ग्राम, ठीक है। पावर कितनी है ए, पावर कितनी है बेटा जी ए, ए कितनी वैल्यू है 1 वैल्यू है, फिर उसके बाद टाइम नहीं लेंथ, लेंथ मतलब जिस सिस्टम से आ रहे हैं वहाँ पे मीटर में होती है, तो 1 मीटर, जिसमें जाना है उसमें सेंटीमीटर में होगी, चलो जी। तो यहाँ पे पावर बी, बी कितना है अब 3 है। सिमिलरली अब टाइम जिस सिस्टम से आ रहे हैं उसमें भी सेकंड होता है, जिसमें जा रहे हैं उसमें भी सेकंड होता है, तो 1s 1s, तो यहाँ पे पावर कितनी हुई सी, सी कितनी है माइनस टू, ठीक है, सी कितनी है माइनस टू बेटा, ठीक है, क्लियर इतनी बातें, यस और नो। अब आपको एक काम करना बेटा यहाँ पे, अब आपको एक काम करना है यहाँ पे सिंपल, ऊपर और नीचे यूनिट्स बराबर कर देनी है, ऊपर और नीचे यूनिट्स को क्या कर देना बेटा, बराबर कर देना है, मीन्स या तो इसको ग्राम में लिख दो या इसको किलोग्राम में लिख दो, वो आप लोगों की मर्जी है। तो इस किलोग्राम को ग्राम बना सकते हैं, हमेशा ऐसा कर सकते हो, जिस सिस्टम में जाना है वो वाली यूनिट्स बना दो ऊपर भी, ठीक है, वो वाली यूनिट्स बना दो यहाँ पे भी, तो ये होगा बेटा 6.67 इंटू में 10^-11, यहाँ पे बनेगा हमारे पास क्या 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम, नीचे 1 ग्राम पड़ा है तो ये कट गया, तो 10^3 बचा, तो यहाँ पे आ गया 10^3 बेटा, ठीक है। 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर बनाएंगे तो ऊपर 100 सेंटीमीटर आएगा, 100 सेंटीमीटर बाय में 1 सेंटीमीटर कट गया, पावर कितनी है 3, मींस आप लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर कितनी लिखोगे बेटा, सॉरी 100 की पावर कितनी लिखोगे, मतलब 100 को 3 बार लिख रहे हो तो आप 6 लिख दोगे इसको, ठीक है, 100 की पावर नहीं नहीं 10 की पावर लिखो ना, 10 की पावर 6 लिखो आप इसको, एक मिनट, आप ऐसे लिखोगे ना इसको, एक ऐसे लिखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई, 10 की पावर 6 हो गई, इसकी 1/1 की पावर -1 होगी, तो वो कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये 6 और 3 9 बने, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो 6.67 इंटू में 10^-11 प्लस में 9, मीन 6.67 इंटू में 10^-2 आने वाली है एन टू की वैल्यू, ठीक है, ओके बेटा। तो देख देख सकते हो आप लोग, एक मिनट, ये तो आगे आ गए हम, ये देख सकते हो कितनी वैल्यू आ रही है 6.67 इंटू में 10^-2। अब ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है सीजीएस के लिए करी है, ठीक है, पहले किसमें था न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो अब देखो न्यूटन मतलब क्या होगा, सीजीएस में न्यूटन को डाइन बोला जाता है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, किलोग्राम को ग्राम स्क्वायर कर देंगे ना, तो वही तो बनी भाई यूनिट, ठीक है। बस आपको यूनिट जो है वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब आपका जो काम है वो सिर्फ एन टू निकालने का है, आपका जो काम है बेटा जी वो सिर्फ और सिर्फ एन टू निकालने का है, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाता है बेटा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन, जिसमें हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हैं, मीन्स अगर किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है तो आप उसको क्या बोल दोगे, तो आप बोल दोगे कि वो करेक्ट है, क्या बोल दोगे, करेक्ट है बेटा जी, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्वेश्चन लिया, ठीक है, क्वेश्चन में एक टाइम पीरियड दे रखा है सिंपल पेंडुलम का, इज इक्वल टू 2π, 2π एक कांस्टेंट है, अंडर रूट में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। अब आपको पता है यार, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की अगर डायमेंशन अगर मैं देखूँ तो वो टाइम बनेगी, है ना,
इधर 2 पाई है कॉन्स्टेंट है तो उसको लिखेंगे 1, अंडर रूट में एल बाय में जी है, मींस एल एल इज लेंथ, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एल टी माइनस 2 उसके ऊपर पावर है 1/2, यही तो पावर है, यस और नो? तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा एल की पावर 1/2, नीचे आ जाएगा एल की पावर 1/2, यहाँ पे आएगा टी की पावर माइनस 2 इंटू में 1/2, तो यही से कट, तो क्या बचा यहाँ पे 1/t-1 बचा, मीन्स आप इसको टी लिख सकते हैं, तो इधर भी टी आ गया उधर भी टी था, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब जरूरी नहीं है बेटा जी जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट होगी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिकली करेक्ट होगी। सर ये क्या बात बोल दी आपने, देखो हमने लिखा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है लिख दिया, ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसकी डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन लेस है कि ऊपर आर्क है तो वो भी क्या लेंथ है, नीचे रेडियस है तो वो भी लेंथ है, तो आप बोलोगे डायमेंशन लेस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूँ थीटा इज इक्वल टू क्या रेडियस बाय में आर्क, तो भी ये डायमेंशन लेस आ रहा है, लेकिन यार इक्वेशन थोड़ा करेक्ट है, तो जरूरी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आर फिजिकली करेक्ट, ओके समझ में आया बेटा। चलो तो अभी करने वाले हैं यार थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, क्या होता है ये, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, मींस इसमें हमें फॉर्मूला बनाना होता है, अलग अलग क्वांटिटीज हमें दी होंगी, कुछ कंडीशन दी होगी और उसके बेस्ड हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना होता है, ठीक है। पहली दो जो हमने करी उसमें हमने एक में कन्वर्जन सीखा कि एक सिस्टम जो है यूनिट का उससे दूसरे सिस्टम में कैसे जाना यूनिट के, दूसरा में हमने उसकी करेक्टनेस सीखी और थर्ड में हम अब फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं। इसको आप बेटा जी कैसे सीख सकते हो, आप इसको किसी क्वेश्चन की हेल्प से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे लिखा द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ ए स्ट्रेट स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन द टेंशन लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू ऑफ स्ट्रिंग, बेटा जी डिराइव द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी। देखो यार इसने जिसके लिए भी फॉर्मूला बोला है सबसे पहले आप उसको एक साइड लिखो, क्योंकि ये किसके लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला आप लोगों को निकालना है। अब इसने खुद बोला कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है भाई टेंशन पे, टेंशन मींस उसको उसने एफ बोला है तो हमने एफ लिखा डायरेक्टली, एफ पे प्रोपोर्शनल है ये और हम यहाँ पे ए लिख देंगे इसकी पावर। उसने जो भी डिपेंड बोला ना उसको डायरेक्टली लिखते जाओ, ठीक है, उसने जो भी डिपेंड बोला उसको डायरेक्टली लिखते जाओ। साथ में क्या बोला उसने, लेंथ क्या बोला भाई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जिसको इसने क्या नाम दिया है, एल नाम दिया है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे क्या, ये डायरेक्टली है किस पे, लेंथ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है, इसकी पावर मैंने बी बना दी। एंड आगे किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आगे डिपेंड कर रहा है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और उसका नाम दिया इन्होंने म्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू और उसकी पावर मैंने बना दी सी। बेटा ध्यान में रखना कि म्यू जो है वो क्या बोल रहा है, म्यू को वो बोल रहा है कि ये मास पर यूनिट लेंथ है, ये याद रखना मास पर यूनिट लेंथ है, ये बोल रहा है, ओके। चलो अब इन तीनों को कंबाइन करो तो ये बनेगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा बेटा एफ, क्या बनने वाला है यहाँ पे, F बनने वाला है, एक मिनट रुकिएगा पेन कहाँ कहाँ चल रहा है जी, F यहाँ पे हो गया A, ये हो गया बेटा जी L, B और ये हो गया म्यू और उसकी पावर हो गई C। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, यहाँ पे हम इक्वल लगा के एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे जिसका नाम हमने K रख दिया बेटा जी, ठीक है, और यहाँ पे हो गया F, A, L, B और ये हो गया म्यू रेज़ टू पावर C बेटा जी, ठीक है। आप इसको पहली इक्वेशन कह सकते हैं, ओके क्लियर है। अब क्या करना है, अब आप इन सब की डायमेंशन लिखो। अब इसके बाद जो आपका पहला स्टेप होना चाहिए वो आप लोगों को क्या करना बेटा, आप लोगों को यहाँ पे डायमेंशन लिखनी है, क्या लिखनी है, डायमेंशन लिखनी है दोनों साइड की। तो एफ की डायमेंशन, एफ इज फ्रीक्वेंसी तो 1/t होता है, मींस 1/टाइम फॉर्मूला होता है हमारा, तो 1/टाइम टी, टी की डायमेंशन क्या होगी बेटा, टी होगी, तो टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी इनवर्स, तो मींस यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एम यहाँ पे जीरो है, एल यहाँ पे जीरो है और टी यहाँ पे माइनस वन हो चुका है, ओके ये बोल सकते हो। इस साइड इज इक्वल टू के, के जो एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की डायमेंशन वन होने वाली है, ओके आगे फोर्स है बेटा, ठीक है, और इसने खासकर बोला भी है कि डायमेंशन ऑफ फोर्स को ही यूज करना बेटा, ठीक है, तो हम यहाँ पे एम एल टी माइनस टू लिखेंगे और उसकी पावर ए बना देंगे, है ना, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा आगे, देखो आप लोगों के पास क्या है, आगे आप लोगों के पास लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन इज कैपिटल एल, ठीक है, मीन्स उसके नोटेशन जो है कैपिटल एल की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये म्यू है, म्यू क्या है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मींस आप लोग इसको कैपिटल एम बाय में एल लिखोगे तो ये ऊपर जब शिफ्ट होगा एल तो ये कैपिटल एम एल इनवर्स बनेगा, क्लियर है, तो यहाँ पे कैपिटल एम एल इनवर्स बनाएंगे और इसकी पावर सी हो जाएगी। अब इनको पहले सॉल्व कर लो यार, यहाँ पे बनेगा ये एम ए, है ना, यहाँ पे एम है तो इसकी पावर सी आएगी तो ये प्लस में सी हो जाएगा, यहाँ पे एल की पावर कितनी होगी, ए होगी, यहाँ पे L की पावर B है तो प्लस C हो जाएगी, प्लस B हो जाएगी क्योंकि L की पावर B, यहाँ पे L की पावर A, तो दोनों बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, ये छोटी छोटी चीजें तो आपको पता होगी। उसके बाद टाइम आ गया,
एक मिनट, लेंथ यहाँ पे भी है तो माइनस ई यहाँ से आ जाएगा एक, ठीक है। उसके बाद टाइम आता है तो टाइम हो गया बेटा जी माइनस टू ए, ठीक है। तो अब कंपेयर कर लो भाई पावर्स को। अब आप लोग क्या करो, पावर्स को कंपेयर कर लो, पावर्स को कंपेयर कर लो। तो आप लोग जब m की पावर यहाँ a प्लस बी है तो a प्लस सी के साथ आप कंपेयर करोगे, इसकी पावर है जीरो, मीन्स a की जो पावर हो गई वो माइनस ऑफ c हो गई। आगे देखिएगा, यहाँ पे लेंथ की पावर जीरो है, यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी है, मीन्स a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो हो गया। क्लियर है? यस और नो बेटा जी, ठीक है। यहाँ पे t की पावर माइनस टू ए है, ओके, और इधर कितने अभी माइनस वन है, तो a की वैल्यू इज, ये माइनस से माइनस कैंसिल, वन बाय में टू होने वाली है। कितनी होने वाली है? वन बाय में टू होने वाली है बेटा जी, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि a की वैल्यू अब माइनस, सॉरी वन बाय में टू, तो c की वैल्यू क्या होगी? माइनस कर दो तो माइनस वन बाय में टू हो जाएगी। येस और नो, फटाफट से बताओ यार। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू कैसे बनेगी? यहाँ से बना लो, b इज इक्वल टू क्या आएगा, c माइनस ए, c है माइनस वन बाय में टू, यह है माइनस वन बाय टू, क्योंकि माइनस बीच में a प्लस का है तो ये हो गया। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितने आने वाली है? एलसीएम टू हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन, इट इज माइनस वन बी की वैल्यू। क्लियर है? यस और नो, फटाफट से एक बार बताओ। अब उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अपनी ये जो ए बी सी की वैल्यू आई है इसको यहाँ पे पुट कर देना है हमारी मेन इक्वेशन के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट ऑल द वैल्यू, पुट ऑल द वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट बेटा जी। फर्स्ट इक्वेशन में आप लोगों को पुट कर देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही फ्रीक्वेंसी, ओके जी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो गया कॉन्स्टेंट के, एफ, एफ के ऊपर पावर कितनी है भाई, एफ के ऊपर पावर है ए, ए की वैल्यू कितनी है, वन बाय टू, वन बाय टू। उसके बाद क्या है, लेंथ, लेंथ की पावर कितनी है, बी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, मीन्स नीचे चला जाएगा कौन, आपका लेंथ भाई साहब। लेंथ क्या होगा, नीचे चला जाएगा, ये आ गया लेंथ, ओके, बिना पावर के, क्योंकि मतलब बिना अंडर रूट के, क्योंकि वहां पे ऊपर माइनस वन थी, नीचे आएगा तो प्लस की हो गई, ओके। आगे देखिएगा म्यू, म्यू की क्या आएगी बेटा, म्यू में क्या आने वाली है, यहाँ पे म्यू, म्यू की पावर है सी, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू माइनस वन बाई टू है, ठीक है। मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एफ इज इक्वल टू के, एल बाहर आ गया भाई, है ना, नीचे ये बाहर कर लो, और ये अंडर रूट में हो गया क्या, एफ बाई में म्यू हो गया है, ठीक है, एफ बाई में म्यू हो चुका है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो ये के है कॉन्स्टेंट है बेटा, इसकी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली आएगी वो टू पाई आने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के अपॉन एल अंडर रूट एफ बाई में म्यू आ चुका है हमारे पास, के अपॉन में एल अंडर रूट एफ बाई में म्यू आ चुका है। जो ये k की वैल्यू है बेटा वो एक्सपेरिमेंटली है, ये एक्सपेरिमेंटली हमने निकाली हुई है, ठीक है। कितनी निकाली है बेटा, इन्होंने 1 बाई टू लिखी है, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि 2 पाई ही हो, वो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 बाई में 2 आ रही है। तो आप यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला है उसको लिख सकते हो, 1 बाई 2 एल अंडर रूट में लिख सकते हो, एफ बाई में म्यू लिख सकते हो बेटा, 1 बाई 2 एल, 1 बाई 2 एल अंडर रूट में एफ बाई में यू, अंडर रूट में एफ बाई में यू। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो बेटा जी, ठीक है। आप हमेशा जब भी कोई फॉर्मूला बनाओगे उसमें के जो भी आप कॉन्स्टेंट लोगे उसकी वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटली दी जाएगी, आपको याद होनी चाहिए, या फिर आप वहीं तक छोड़ के आ सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा जी, लिमिटेशन क्या है डायमेंशन की, कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। पहली लिमिटेशन है कि बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है, मतलब जो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। दूसरा है बेटा जी, बाय दिस मेथड द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, ये जो है उनको एनालाइज नहीं कर सकते हम, ठीक है। अभी आपने देखा कि जितनी भी चीजें हमने करी उनके अंदर कोई भी साइन फंक्शन या फिर कॉस फंक्शन या फिर लॉग फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं था, ठीक है। तो ये एक दूसरा लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन है, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी बाय मल्टीप्लीकेशन एंड पावर रिलेशन, इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, देखो ये बोला कि जो ये मेथड है ये यूजफुल है जब हम क्या कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जब क्या कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या फिर पावर की फॉर्म में वो होती है, तो वहाँ पे यूजफुल है। मतलब ये बोल रहा है कि भाई मान लो एक लेंथ मैंने बोला प्लस में एक एम, ऐसा नहीं हो सकता, अलग अलग क्वांटिटी की डायमेंशन ऐसे ऐड नहीं हो सकती, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है बेटा जी, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन है जो आपको याद होनी चाहिए और आपके स्कूल लेवल पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा जी, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, आपने कुछ कैलकुलेशन करी बेटा 7.342134 ऐसे आपने करी, कर दिए। अब आप, मैं इसमें से अगर ऐसा लिखूं 7.3, तो बेटा यहाँ पे देखो ये जो 7 है ये तो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को कन्फर्म्ड है ना। अब ये जो एक है साथ में 3 होगा 4 होगा 5 होगा वो कुछ नहीं पता, उसमें थोड़ा सा डाउट है,
तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इन ए मेजर्ड क्वांटिटी सिग्निफिकेंट आर द डिजिट विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। मतलब यहाँ पे ये जो है ये सात तो आना ही आना है, ये एग्जैक्ट हमें पता है, बट ये 7.2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसमें थोड़ा सा डाउट है। तो पहला अनसर्टेन डिजिट उसे बोला जाता है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। उसे क्या बोला जाता है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। क्लियर है इतनी बातें। चल अब इसके बाद आप लोगों के पास कुछ रूल्स होते हैं, आप लोगों के पास कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के। पहला रूल क्या कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, जैसे कि 126.28 या फिर ऐसे नंबर होता 12628 बिना डेसिमल होता तो भी आप इसको कितने सिग्निफिकेंट यहाँ पे लेते, 5 ले रहे होते बेटा जी, ठीक है, ऑल नॉन जीरो है, पॉइंट आ जाए नहीं आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी, द जीरो अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब आपने क्या किया कि भाई दो नॉन जीरो नंबर लिए, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 6.025 है, तो ये एक नॉन जीरो नंबर है, ये एक नॉन जीरो नंबर है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग में नॉन जीरो नंबर है, बीच में कितने भी जीरो आ जाए बिना डेसिमल डेसिमल तो आप उसको काउंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो इनके पास कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। ट्रेलिंग जीरो की अगर हम बात करें, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, मतलब जब नंबर एक से छोटा हो जाए, ठीक है, जब नंबर क्या हो एक से छोटा, अब नंबर एक से छोटा नहीं, ट्रेलिंग जीरो मतलब लास्ट की जीरो, ठीक है। मान लो ऐसे लिखा हुआ है 6400 लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ बेटा, 6400 लिखा हुआ है, तो इसमें जो ट्रेलिंग जीरो होंगी उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे 6400 लिखा हुआ है तो आप इसको काउंट करोगे बेटा जी, फिर इसको आप काउंट करोगे। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो लास्ट में जीरो होंगी, जो लास्ट में जीरो होंगी ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, वो क्या कहलाएंगे बेटा जी, वो कहलाएंगे आप लोगों के लिए क्या, सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। अब आ जाते हैं पावर में, ठीक है, पावर ऑफ टेंस जो लिखी जाती है कभी भी किसी की कैलकुलेशन में, तो उनको हम सिग्निफिकेंट के तौर पे यूज नहीं करते, नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर बेटा जी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये 1.4 था, इनटू में 10-7 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको हम काउंट करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे दो है, कितने बेटा जी, दो रहने वाले हैं, कौन कौन से, 1 और 4 रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर एक से छोटा नहीं है बेटा, ये है लास्ट में जो जीरो होती है, अगर डेसिमल है तो लास्ट के जीरो को काउंट करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, इफ ए मेजरमेंट इज लेस देन 1, अब बात करते हैं लेस देन 1 की। जैसे कि इन्होंने एक नंबर दिया हुआ है 0.0042 दिया हुआ बेटा, ठीक है, तो आप क्या करो, नंबर एक से छोटा है, आपने क्या देखा नंबर एक से छोटा, तो 0.00 ऐसे आ रहा है, तो पहला नॉन जीरो ढूंढो, पहला नॉन जीरो ढूंढो, आपने पहला नॉन जीरो ढूंढ लिया, तो इससे जितने इधर जीरो हैं उन सबको उड़ा दो भाई साहब, उनको काउंट नहीं करेंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे। इन ए मेजरमेंट इज लेस देन, इन ए मेजरमेंट इज लेस देन 1, देन ऑल जीरो अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, देन ऑल जीरो अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट, या फिर आप क्या करो, एक देखो यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है, तो पहला एक नॉन जीरो नंबर ढूंढो, उससे इधर जितनी जीरो है वो काउंट नहीं करी जाएंगी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, उन्होंने जीरो की फॉर्म में लिखा, लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, क्लियर है बेटा, समझ में आया या नहीं आया। सिंपल बोल रहा है कि अगर आप लोगों के पास एक नंबर लेस देन 1 है तो यहाँ पे जो भी जीरो अकर हो रही है लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, इससे इधर जितनी भी हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होने वाली, ओके, मतलब इनको काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आप लोगों के पास चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जब आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा रहे हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 7.2 सेंटीमीटर है, 7.2 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है, अगर मुझे इसको क्या बनाना है, मीटर बनाना, एक मिनट, 7.2 सेंटीमीटर है ना, 7.2 सेंटीमीटर, अगर मुझे इसे मीटर बनाना है तो 7.2 के नीचे मैं 100 लगा दूंगा, ठीक है, मींस आप इसको 72/1000 लिख सकते हो, मींस आप इसको 0.072 लिख सकते हो, और ये मीटर में आ गया। तो देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं भाई, दोनों नॉन जीरो हैं तो दो हो गए, यहाँ पे नंबर एक से छोटा है, पहला जो नॉन जीरो आ रहा है उससे इधर जो भी लेफ्ट में है उनको उड़ा दो, बाकी बचे तो दो, तो दो ऊपर है दो नीचे, तो कन्वर्जन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर मान लो कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 26400 तो लास्ट की जीरो नहीं काउंट करेंगे अगर डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है एग्जैक्ट मेजरमेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जो एग्जैक्ट मेजरमेंट होगी ना भाई साहब, जो एग्जैक्ट मेजरमेंट होगी, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जब आप लोगों को कुछ ऐसा केस मिले 10 बनानास 40 स्टूडेंट इन ए क्लास, तो इसके अंदर क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है,
ये याद रखिएगा, बाकी इसके अलावा क्या ही है। चलो ये तो सारी चीजें बताई दी, अगर डेसिमल होगा तो ही बनने वाला है केस, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा जी, राउंडिंग ऑफ ए डिजिट। मतलब कई बार क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है, मतलब उसको छोटा करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आया। चलो तो अभी यहाँ पे क्या है कि मान लो आप लोगों के पास कोई एक नंबर है 8.22 और हमें इसको राउंड ऑफ करना है कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर आ जाए, ठीक है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर आ जाए, डेसिमल के बाद एक नंबर ही आए, वो कितना आएगा। देखो यहाँ पे ये डिजिट जो है लास्ट डिजिट, इसको हमें ड्रॉप करना है, गिराना है, फेंकना है, तो ये 5 से छोटा है भाई साहब। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इट लेस देन 5 तो इसको उड़ा दो और अगले नंबर में कोई भी बदलाव ना करो, ठीक है। तो आप इसको सीधा 8.2 तक राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब लास्ट नंबर देखो, अगर वो 5 से छोटा है तो आप सिंपली क्या करो, उसको उड़ा दो और नेक्स्ट वाले में बिना कुछ ऐड करे लिख दो भाई साहब, ठीक है। चलो अगला केस कौन सा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, मतलब अगर इन्होंने दे दिया 6.87 अगर इन्होंने बोला है, इस डिजिट को हमने मान लीजिए ड्रॉप करना है, कि अगर ये तुम्हें बोल दे इसको भाई कितने प्लेसेस तक लेके आना है, एक प्लेस तक लेके आना, डेसिमल के बाद एक प्लेस तक, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको नंबर को देखो 5 से बड़ा है तो इसको उड़ाओ और नेक्स्ट वाले में एक ऐड कर दो, तो 6.9 जो है वो आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6.9 आप लोगों का रिजल्ट। 5 से छोटा है तो उड़ा के सिंपल नंबर लिख दो, कुछ भी ऐड या सबट्रैक्ट नहीं करना। अगर 5 से बड़ा है तो नेक्स्ट वाले में ऐड कर दो, है ना, उससे पहले वाले में। नेक्स्ट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, मतलब अगर मान लो कभी भी ऐसा आ जाए नंबर 7.851 आ जाए, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी आ जाए, तो आप इस केस में क्या करने वाले हो। तो भाई इस केस में हम क्या करेंगे, देखो जस्ट अ मिनट, ये तो भाई पेन गिर गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करने वाले, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। तो यहाँ पे 1 है, 5 से आगे 1 है, 5 से आगे 1 है, तो हम क्या करेंगे, इससे आगे वाले को हम 1 से ऐड कर देंगे, मतलब 7. इसको हम 9 कर देने वाले हैं, 7. इसको हम क्या कर देने वाले हैं, 9 कर देने वाले हैं बेटा जी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि भाई इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 है, 5 नंबर ही अगर आ जाए तो क्या करना है, केस को समझो, ये क्या बोल रहा है, केस को समझो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मान लो लास्ट डिजिट जो आप ड्रॉप कर रहे हो या तो 5 आ जाए या फिर उसके आगे 0 आ जाए, फॉलोड बाय 0, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एक नंबर दिया है हमारे पास कि भाई 3.75 अगर आ जाए या फिर आप इसको 3.750 अगर आ जाए, ऐसे आ जाए बेटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, देखो 0 है तो भाई ये तो लेस देन 5 ही है, इसको तो उड़ाना ही पड़ेगा, उड़ा दोगे तो आप 3.75 लिख रहे हो। अब इस नंबर को देख रहे हो, इस 5 को गिराना है, ये 5 जो है भाई अब ये ना तो कम है 5 से ना ज़्यादा है, ये 5 ही है, तो अब क्या करोगे, नेक्स्ट वाले नंबर को चेक करने वाले हो। अगर नेक्स्ट वाला नंबर आपका ओड है तो आप +1 करोगे, अगर इवन है तो आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे, उसको सेम छोड़ दोगे, नो चेंज कर दोगे, उसको आप क्या करोगे बेटा, नो चेंज कर दोगे, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 3.8 जो है इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, क्लियर, 3.8 जो है इसका सॉल्यूशन बन जाने वाला है। अगर मान लो नंबर कुछ ऐसा हो 3.850 है, तो 0 तो लास्ट है भाई, 5 से छोटा है तो इसको तो वैसे गिरा देना, तो ये बन गया 3.85। अब देखो यहाँ पे 5 को उड़ाना है और 5 नंबर ही है, मतलब ना तो 5 से छोटा है ना 5 से बड़ा, 5 नंबर है, इसको ही उड़ाना है, तो हम नेक्स्ट वाले नंबर को चेक करेंगे। नेक्स्ट वाला जो नंबर है बेटा ये इवन है, इसका मतलब हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इसको 3.8 लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 3.8 लिख देंगे बेटा जी, क्लियर है, यस और नो, 3.8 आ गया। तो दोबारा से एक बार मैं बता देता हूं तुम्हें कि क्या बोल रहा है ये, इन्होंने बोला कि अगर आपका नंबर लेस देन 5 है, ध्यान से देखो कि अगर लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को उड़ाएंगे और सिंपली लिख देंगे, जैसे कि इन्होंने लिखा 3.42 है, तो आप इसका सीधा लिखोगे कि इसमें 3.4 हो जाएगा, ठीक है। डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन एक लेकिन 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 एक मिनट रुको यार, ये पेन उठाई लेता हूँ मैं, ऐसे पैर लग रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लो नंबर 5 से बड़ा है, जैसे कि 3.86 मैंने लिख दिया, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाले में एक ऐड कर दोगे, तो 3.9 आ गया, ठीक है, ओके। अब या तो लास्ट का, अब अगर कुछ ऐसा आ जाए 4.65 आ जाए, मतलब लास्ट नंबर जिसको उड़ाना है वो 0.5 आ जाए, या फिर ये कुछ ऐसे फॉर्म में आ जाए 4.650 के साथ आ जाए, तो आपको ओड इवन चेक करना होता बेटा। यहाँ पे कोई भी ओड इवन चेक नहीं करना, ये 5 से बड़ा था तो सीधा आपने एक उसमें ऐड किया, यहाँ पे छोटा था तो उड़ा के एज इट इज नंबर लिख दिया। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देख रहे हो या यहाँ पे देख रहे हो, 0 उड़ाओगे तो ये नंबर बनेगा, तो सीधी बात है भाई, जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो बस उससे डील करो। अब यहाँ पे देखो, इस नंबर को चेक करो, अगर ये इवन है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो सीधा ये 4.6 रह जाएगा, अगर ओड होता तो
अगर यहाँ पे ऑड नंबर होता और ये पांच है तो नेक्स्ट वाले में एक ऐड हो जाता। अब इसके अलावा अगर मान लो कुछ और नंबर है, जैसे कि 3.751 है हमारे पास, पांच के आगे वन आ गया, जीरो के अलावा कुछ भी आ गया है, तो भाई आप क्या करोगे, इस पांच से अगले वाले में एक ऐड कर दोगे और अपना काम लिख दोगे, नंबर लिख दोगे बेटा, ठीक है। ऑड इवन कुछ भी चेक उस टाइम पे नहीं करना है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फॉलोड बाय डिजिट अदर देन जीरो देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय, मतलब पहले वाली रेज्ड बाय वन, ओके, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरीके से बेटा ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है और राउंडिंग ऑफ है, ये आप लोगों को एल्जेब्रिक ऑपरेशन में भी आने चाहिए करने। तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से करते हैं, देखो बेटा सिंपल है। आपने क्या किया कि कुछ रिजल्ट लिए, वैल्यू लिए, उनको ऐड करा, 1.2 3.45 6.789 को ऐड किया, तो आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 11.439 आ रहा है। भाई तीन वैल्यू को आपने ऐड किया है जिसमें पॉइंट के बाद एक है, पॉइंट के बाद दो प्लेस है, पॉइंट के बाद तीन है, तो हमारा आंसर किस में होना चाहिए, एक में होना चाहिए, दो में होना चाहिए, तीन में होना चाहिए, भाई किसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक रूल फॉलो होगा। सपोज इन द मेजर्ड वैल्यू टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल इज एन, मतलब आप डेसिमल के बाद जिसमें लीस्ट नंबर है किसके, लीस्ट नंबर है किसके, भाई लीस्ट नंबर किसमें है डेसिमल के बाद, वो देख लो, तो उतने ही होने चाहिए, ठीक है, यस और नो। इन्होंने क्या बोला है, सपोज इन द मेजर्ड वैल्यू टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल इज एन, तो इसमें लिस्ट है एक, इसमें दो, इसमें तीन, तो लिस्ट तो इसमें हुए ना, तो इसका आंसर भी सिर्फ पॉइंट के बाद एक प्लेस तक ही आएगा। अब ये नंबर है पांच से बड़ा तो अगले वाले में एक ऐड करेंगे चार, अब ये पांच से छोटा है तो उसको उड़ा देंगे, सीधा नंबर लिख देंगे 11.4। तो एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो तो पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल होंगे, पॉइंट के बाद जितने भी प्लेसेस होंगे, उस तरीके से हम अपना आंसर लिख देंगे। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या होता है बेटा, जैसे कि आपने अगर एक नंबर 1.2 को मल्टीप्लाई किया 36.72 से और आपके पास आ गया 44.064 आ गया, तो आपका आंसर किसमें आना चाहिए। आप बेटा जी यहाँ पे क्या चेक करोगे, आप ओवरऑल चेक करोगे, इसमें पॉइंट के बाद का कोई चक्कर नहीं है। सपोज इन द मेजर वैल्यू टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट टू बी एन, देन इन द प्रोडक्ट और क्वेश्चन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट शुड ऑल्सो बी एन, मतलब आप ऊपर वाले में क्या कर रहे थे कि पॉइंट के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर आप लोग देख रहे थे, इसमें क्या है कि जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओवरऑल देखो, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है ये या इसमें है, तो इसमें बेटा दो है, तो दो की फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए, क्लियर। तो इस तरीके से बेटा जी आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे बेटा जी, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस चैनल पे, क्योंकि एक नया चैनल है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए और पूरा सिलेबस क्लास 11th फिजिक्स का यहाँ पे अपलोड होने वाला है। कैसी लगी वीडियो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है तो इस चैनल को, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर भी कर देना। चलिए इसके साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बॉय, टेक केयर।